यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। फतेहपुर में पौंग जलाशय किनारे हैंड ग्रेनेड होने की सूचना जहां पर अफवाह समझी जा रही थी तो वो वास्तव में हकीकत निकली। पुलिस ने क्षेत्र में दहशत न फैले इसके लिए इसे गुप्त रखा था। दरअसल थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि पौंग जलाशय किनारे ग्रेनेड जैसी कोई वस्तु पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और जिलाधीश कांगड़ा को इसकी सूचना दी गई। जिला प्रशासन ने सेना के साथ संपर्क किया और साथ ही सहायता मांगी, जिस पर सेना की टीम ने मेजर राकेश कृष्ण की अगुवाई में मिले ग्रेनेड को नष्ट किया। वहीं क्षेत्र में ग्रेनेड मिलने से क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं जन्म ले रही है। कुछ इसे दूरदराज से खड्डों के रास्ते आना बता रहे हैं तो कहीं कुछ लोग प्रवासी लोगों की शरारत बता रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के क्षेत्र में ग्रेनेड का मिलना अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। तो 15-20 दिन पुराना ये बम बताया जा रहा है। पौंग डैम के किनारे जिंदा बम मिला है। ग्रेनेड इस तरीके से मिलने की वजह से कई तरह की चर्चाएं भी जन्म ले रही हैं और 15-20 दिन पुराना ये बम था जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और इसे नष्ट किया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 15-20 दिन पुराना ये बम बताया जा रहा है और इसे पहले गुप्त ही रखा गया था ताकि लोगों में दहशत न फैले। तो तस्वीरें भी आप ये देख पा रहे हैं, पौंग डैम के किनारे ये 15-20 दिन पुराना बम मिला है।